जय हिंद प्यारे दोस्तों। दिल्ली में दोस्तों गोल्ड अपॉर्चुनिटी आउट हुई है, 100 टोटल पोस्ट आउट हो गई हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हो चुका है, 12वीं पास कैंडिडेट के लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। दिल्ली सरकार के दफ्तर में काम करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि DSIIDC में वैकेंसी नोटिस आउट हुआ है, लेकिन आगे फ्यूचर में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जो रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है दोस्तों ICSIL के थ्रू आउट हुआ है। अप्लाई कर देना दोस्तों अभी के अभी, जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 10 अगस्त 2022 दिन में 12 बजे। तो ये वीडियो दोस्तों जल्दबाजी में शूट करनी पड़ रही है, क्योंकि वैकेंसी नोटिस का अभी अभी पता चला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों वैकेंसी नोटिस आउट हुआ है ICSIL के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और फ्यूचर में दोस्तों आपका ट्रांसफर भी हो सकता है किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो मेंशन किया हुआ है इनके एडवर्टाइजमेंट में ही। जो वैकेंसी नोटिस है वो सेल्स पर्सन की पोस्ट आउट हुई हैं, जिसमें 100 टोटल पोस्ट बताई गई हैं। टोटल पोस्ट हैं 100 दोस्तों। 12th पास मांगा गया, 12th पास प्लस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर में थोड़ा वर्क डेटा एंट्री वगैरह का, और आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। ₹770 पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि महीने में आप जितने भी दिन काम करेंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना ₹770 को। तो एज की बात करते हो कम से कम 18 साल, ज्यादा ज्यादा कितनी भी हो आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिस में एज के कॉलम में डैश लिखा गया है दोस्तों, तो मिनिमम एज 18 तो लेके ही चलो, मैक्सिमम कितनी भी है सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, पोस्ट भी काफी अच्छी है। बात करते हैं दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो इसमें जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्टली एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जो कि आपको मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू इंटीमेशन मिल जाएगा। डायरेक्टली जाना है, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी, फोटोकॉपीज भी, और उसके बाद आपको मैसेज या कॉल के थ्रू ही पता चल जाएगा आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है। इसमें बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो लिंक मैं अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाना, अप्लाई कर देना। वहां पे आपको सारी चीजें बाइफरकेशन के साथ पता चल जाएंगी। लिंक ओपन हो चुका है 9 अगस्त और ओपन रहेगा 10 अगस्त दिन बजे तक ही दोस्तों। तो अभी के अभी वीडियो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, अप्लाई कर दीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 100 टोटल पोस्ट हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर एक एक दो दो पोस्ट आ रही है तो क्या करेंगे, इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, अप्लाई कर देना दोस्तों। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या आपका ट्रांसफर होगा। जी हाँ, आपका ट्रांसफर हो सकता है किसी भी दिल्ली गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ICSIL पे थ्रू। अब बात करते हैं कि कितने रुपए चार्ज देने होंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन किया हुआ है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर जब इशू कर दिया जाएगा, उस दौरान आपको ₹1000 देने होंगे रजिस्ट्रेशन के रूप में। रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट को जिनका सिलेक्शन होगा। अभी आपको एक भी रुपया नहीं देना अप्लाई करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाता है, लेटर दे दिया जाता है, उस दौरान आपको देने होंगे नॉन रिफंडेबल रुपीज यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे ₹1000। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।